छिंदवाड़ा जिले के चौरई में आज नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ममता चौधरी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन किया गया। दिल्ली में प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में महिला कांग्रेस उतर आई है। पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा की कई खाप पंचायतें भी पहलवानों के समर्थन में हैं। इनके विरोध के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाजपा द्वारा इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसके विरोध में नगर महिला कांग्रेस के साथ जिला महिला ने आज पुतला दहन किया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बृजभूषण के खिलाफ कई नामी पहलवान दिल्ली के धरने पर बैठे हैं। ये दूसरी बार है जब पहलवान इस मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। इसके पहले जनवरी में भी पहलवानों ने कई दिनों तक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर मनमाने तरीके से संघ चलाने और महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों के बाद बृजभूषण को कुश्ती संघ के कामकाज से जरूर दूर कर दिया गया है, लेकिन अब तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। किसान आंदोलन के समय भी बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब एक बार फिर से यही माहौल बनता दिख रहा है। हमारी नगर अध्यक्ष के द्वारा, हमारी ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो रघुभूषण शरण सिंह, इन्होंने जो हमारी पहलवान महिलाओं के साथ में बलात्कार किया है, उन्हें लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आज हम पूरी महिला कांग्रेस की पूरी टीम आपसे निवेदन करती हैं और ये ज्ञापन के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचाना चाहती हैं कि तुरंत उसे फांसी की सजा दी जाए, अन्यथा ये प्रदर्शन उग्र होगा और फिर कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आज हमारी पहलवान महिलाओं का ये हाल है, तो कल हमारी ये नॉर्मल महिलाओं का क्या हाल होगा, ये आप सभी जानते हैं। और आज ये ज्ञापन के माध्यम से हम आपको एक अवगत करा रहे हैं, अन्यथा अगर उसे फांसी नहीं हुई, अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज उसका सहयोग कर रहे हैं, और अगर उनको फांसी नहीं दी गई, उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये कांग्रेस परिवार, ये महिला कांग्रेस की पूरी टीम उग्र आंदोलन करेगी। हमारे साथ हमारे प्रभारी, चौरी के प्रभारी राजू तिवारी जी साथ शामिल है, पूर्णिमा वर्मा जी शामिल है, हमारी नगर की अध्यक्ष ममता चौधरी जी हमारे साथ है, जिले से आई हुई कैकसा मिर्जा सहित पूरी टीम, रानू डहरिया, और हमारी चौरी विधानसभा की पूरी महिलाएं यहां पर उपस्थित हुई है। ये उग्र आंदोलन फिर से होगा, हमारी मांगों का जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। चौरी से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।